हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2021 की रिवीजन सीरीज के आज के नए एपिसोड में मैं संदीप कानोडिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीप लोग के बारे में। रोमांच बढ़ता जा रहा है धीरे 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 करके, हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हमने खत्म कर दिया है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हम निकल पड़े हैं। जल्दी ही हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म कर लेंगे और इसी तरह से हम एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म कर लेंगे जेईई मेन से पहले पहले। देखो, बात यह है कि अगर मैंने ठान लिया था कि मुझे जेईई मेन से पहले पहले जितना भी समय है, कम समय है ज्यादा समय है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे रिविजन सीरीज को कंप्लीट करना ही है, तो मैंने अगर सोच लिया था तो मैं कर पा रहा हूं। उसके रिजल्ट आपको होते हुए दिख भी रहे हैं। आपने अगर सोचा होगा अपने भविष्य के लिए कि यार मुझे ये करना है एट एनी कॉस्ट, मुझे मेरा सिलेक्शन लेना है, मुझे मेरे कोर्स से पूरा एक बार निकलना है जेईई मेन से पहले पहले, तो होप आप भी जेईई मेन में से पहले पहले अपने पूरे कोर्स को रिवाइज करके बैठे होंगे और तैयारी में डटे हुए होंगे पूरी तरह कि अब कब एग्जाम हो जाए, कब एग्जाम हो जाए और कब मैं फोड़ दूं। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं तो सब्र नहीं होता, बस ऐसा लगा रहता है कि बस अब जल्दी से लड़ाई हो जाए यार और देख लेंगे अब जो होता होगा। तो उस लेवल के उस हाइट्स पर चले जाओ बेटा कॉन्फिडेंस की, अब जो होगा वो देख लेंगे, मैं अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी कर चुका हूं, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो और आप अपने आप को मानते रहो, अपने आप को फिनिशिंग टच देते रहो यार, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन हम दिखा देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये कुछ लाइनें ऐसी हैं जो अंदर जोश भर देती हैं कि हाँ भाई ठीक है। जब वो भगत सिंह जैसे महान लोग जो 20-21 साल की उम्र में ऐसा कर पाए, हम क्यों नहीं कर सकते यार, हम भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीप लोग। पीप लोग के बारे में बात करेंगे। 13 से लेकर के 14, 15, 16, 18 जो ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो पीप लोग कैटेगरी में आते हैं। 13 ग्रुप बोरोन फैमिली, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली जिसको निकोजेंस कहते हैं, 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली जिसको चालकोजेंस कहते हैं, 17 ग्रुप हेलोजन फैमिली, हेलोजेंस जो है, और 18 ग्रुप नोबल गैस फैमिली आप जानते हैं कहलाती है। राइट वाला पार्ट जो होता है पीप लोग कहलाता है। अब वो पीप लोग क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन वेल पी सबसेल में भरा जाता है, ये अपन जानते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात आप पहले कर चुके हैं कि आप 13, 14, 15 ग्रुप में अगर नीचे आएंगे तो लास्ट वाला एलिमेंट पीपी टीएलबीआई ये जो होते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से दो ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, इस कारण से ये इसे कहते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। पीपी प्लस 4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। ये सब केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी बातें ले चुके हैं, ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग, कौन कौन से ऑक्सी एसिड होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ वो ऑक्सी एसिड कहलाते हैं, उनके नामकरण क्या क्या होते हैं, मेटा पायरो ये सब क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब इसमें से बहुत सारी चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं। पी ब्लॉक का थ्योरी भी अगर आपने पढ़ा हो तो ये सब आप कर चुके हो। उसके बाद हाइड्रोलिसिस की इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कॉमन चीजें हैं वो एक बार बता रहा हूँ आपको। हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन आ जाती हैं जिसमें आप हाइड्रोलिसिस करते हो, और हाइड्रोलिसिस का तो सरल की पॉइंट भी है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर OH दे दो और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर H दे दो, जितने बॉन्ड काटने हैं उतने बॉन्ड काट दो, इस तरह से आप हाइड्रोलिसिस वाला चीज कंसीडर कर लेते हो, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी अपन बात करते हैं। XCPTF6 वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड नोबल गैस कंपाउंड। ठीक, आइए चलो शुरू करते हैं इस सफर को, शुरू करते हैं फटाफट बिना वक्त गवाए। सबसे पहले बात करेंगे 13 ग्रुप एंड 13 ग्रुप इज बोरोन फैमिली। 13 ग्रुप कौन सा बेटा, बोरोन फैमिली मेंबर है इसके, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थेलियम। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है बोरोन से गैलियम तक और उसके बाद इंक्रीज करता है थेलियम तक। कई बार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से भी सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। जो गैलियम होता है उसे हाई लेवल थर्मोमीटर में यूज किया जाता है क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे कम होता है। आयोनाइजेशन एंड एनर्जी की बात करें तो थर्ड आईपी हमेशा ज्यादा होता है, सेकंड आईपी हमेशा ज्यादा होता है फर्स्ट आईपी से एट एनी कॉस्ट, ये ज्यादा होते हैं बेटा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम बोरोन टू टीएल तक जो होते हैं मेटालिक कैरेक्टर वो बढ़ते हैं क्योंकि बोरोन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, ध्यान रखिएगा बोरोन इज अ नॉन मेटल। उसके बाद अगर बात करें प्रिपरेशन ऑफ बोरोन, आप बोरोन कैसे बनाएंगे तो आप रिडक्शन करवा दीजिए एक्टिव मेटल के साथ, Mg एक्टिव मेटल है, B2O3 का आप रिडक्शन करवा देंगे बोरिक एसिड से, रिडक्शन करा देंगे Mg के साथ तो बोरोन मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3 जो है इसका रिडक्शन करा देंगे हाइड्रोजन के साथ तो भी आपको बोरोन देखने को मिल जाएगा। एक्टिव मेटल जिंक के साथ BCl3 का रिडक्शन करवा देंगे तब भी आपको बोरोन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ बोरोन की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है
H3PO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2D शीट लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने पढ़ा था। ये लुईस एसिड है, बैक बॉन्डिंग में भी इस्तेमाल, बैक बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है। ये अपना एक भी H+ नहीं देता है, एक OH- लेता है। यह लुईस एसिड है और जो H+ निकलता है वो वाटर का निकलता है, ये अपन जानते हैं। इसका बेसिसिटी कितना होता है बेटा? 1 होता है बोरिक एसिड का। कैसे बनाएंगे आप? बोरेक्स होता है Na2B4O7, अगर उसका H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाया जाए तो आपको H3PO3 बोरिक एसिड देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से कोलेमेनाइट Ca2B6O11, इसका SO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तब भी आपको H3PO3 देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ चल रही है। उसी पर बाद उसके बाद एक्शन ऑफ हीट, अगर आप बोरिक एसिड को हीट करोगे, चार बोरिक एसिड में से चार H2O बाहर निकल गए, एक में से एक बाहर निकलता है, जो बनने वाला एसिड होता है उसे मेटा कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड को फर्दर आप हीट करोगे तो एक H2O और निकल जाएगा, जिसे टेट्राबोरिक एसिड कहते हैं। और अगर और इसे हीट कर दोगे तो फिर उसके बाद एनहाइड्राइड बन जाएगा, दैट इज B2O3। उसके बाद सारे के सारे H उसके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद आगे बात करते हैं बोरेक्स की। सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O जो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, इसे हम कहते हैं बोरेक्स। प्रिपरेशन की बात करोगे तो बोरिक एसिड की रिएक्शन अगर आप Na2CO3 से करवा देते हैं तो Na2B4O7 आपको प्राप्त हो जाता है, दैट इज द बोरिक एसिड, ये सॉरी दैट इज द बोरेक्स। बोरेक्स याद है तुमको, बोरेक्स क्या होता है, होता क्या है बोरेक्स? वो कहावत सुनिए, सोने पे सुहागा। तो ये सुहागा, हिंदी में इसे सुहागा कहते हैं। सोने पे सुहागा का क्या मतलब है वो बता देता हूं आपको, है ना? जब आप सुनार के पास जाते हैं अपने गहने बेचने के लिए, तो वो क्या करता है, उस पर एक व्हाइट कलर का पाउडर डाल के उसको गर्म कर देता है, आग लगा देता है, और फिर जो होता है वो आपके आपका एक बिल्कुल सोना खराब हो जाता है, गहना खराब हो जाता है, उसको तोल लेता है। आप लेके गए थे आधा किलो, वो बनता है बचता है 300 ग्राम। आप कहते हो ये क्या हुआ, मैं तो आधा किलो लाया था। बोले भाई 200 ग्राम तो मिलावट थी। तो ये जो बोरेक्स होता है ये कॉपर को खींच लेता है, उसके अंदर जो भी कॉपर मिलावट होती है ना उसको सारे को खींच लेता है। तो सोने पर सुहागा का मतलब ये होता है कि गोल्ड पर अगर आप सुहागा बोरेक्स डाल देते हैं तो उसकी जो इंप्योरिटी होती है कॉपर की वो सारी खींच लेता है और जो बचता है वो खरा सोना बचता है। दैट्स व्हाई ये है कहानी। तो ये सुहागा Na2B4O7.10H2O दैट इज द बोरेक्स। कैसे आप प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, बेस प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका नेचर होता है बेसिक Na2B4O7 अगर हाइड्रोलाइज होगा तो ये NaBO2 का फॉर्मेशन करता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरॉन इज अल्केलाइन इन नेचर ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के कारण अल्केलाइन नेचर का होता है NaBO2। NaBO2 H2O के साथ फिर से हाइड्रोलिसिस होकर के देखो आप किस प्रकार से NaOH दे रहा है। आप कहें गुरु जी H3PO3 भी तो दे रहा है, H3PO3 तो वीक एसिड है जबकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड के साथ जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर का ही होता है। एक्शन ऑफ हीट की अगर आप बात करेंगे तो पहले हाइड्रेटेड फॉर्म से देखो 10H2O बाहर निकल गए, एनहाइड्रस बन गया, और एनहाइड्रस को बाद में आप फर्दर हीट करते हो तो NaBO2 बनता है और साथ में B2O3, ये बनते हैं मेटाबोरेट्स और इनकी ग्लासी बीड बनती है, बोरेक्स बीड टेस्ट। अगर तुमको थोड़ा बहुत पता हो तो प्लेटिनम के वायर पर बोरेक्स को लेकर के जब गर्म करते हैं तो उसके बिल्कुल उस लूप में तुम्हें एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड दिखाई देती है, और फिर उस पर डीप लोक वाला कोई भी मेटल डाल के उसका टेस्ट करते हैं तो उस ग्लासी बीड का पर्टिकुलर कलर मिलता है, जिसे बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं। तो ये उसी का पार्ट है। उसके बाद डाइबोरेन B2H6 में ब्रिज बॉन्डिंग होती है, तुम्हें अगर याद हो तो बनाना बोंड पाया जाता है B2H6 में, है ना? इसमें बनाना बोंड पाया जाता है बेटा, 3 center 2 electron बॉन्ड इसमें देखने को मिलता है। B2H6 लुईस एसिड है। कैसे बनाओगे आप? NaBH4 की रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ करवा देते हो तब आपको देखने को मिल जाता है B2H6। इसी प्रकार से आप डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करोगे तो इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो वाटर के साथ तो आपको देखने को मिल जाता है H3BO3। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या लिखा है। कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना Al2O3 AlOH होल्थ्राइस को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप हीट कर देते हैं तो Al2O3 बन जाता है, एल्यूमिना मिलता है, या फिर AlSO4 का होल्थ्राइस, इसे Al2SO4 का होल्थ्राइस अगर आप इसको भी हीट करते हैं, इसको भी हीट करते हैं तो आपको Al2SO3 मिल जाता है। यहाँ भी ब्रिज बॉन्डिंग दिखा रखी है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। ये वाला जो बॉन्ड होता है ना बेटा, ये वाला बॉन्ड
ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को कहते हैं ब्रिज बॉन्ड। यहां पर कितने सेंटर दिख रहे हैं, 1, 2, 3 सेंटर दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले हैं, तो ये होता है 3C4E बॉन्ड। आपको एक की पॉइंट दे रहा हूं, अगर यहां पे जो एटम जुड़ा हो, जो ब्रिजिंग में जो एटम इन्वॉल्व है, अगर इसके पास लोन पेयर होता है तब तो ये 3C4E बॉन्ड बनाता है, और अगर इसके पास लोन पेयर नहीं होता है उस केस में ये 3C2E बॉन्ड बनाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, अगर इसके पास लोन पेयर नहीं होता तो। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें तो व्हाइट कलर का होता है एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, sublimes at 183 डिग्री सेंटीग्रेड पर उड़ जाता है, फॉर एडिशन कंपाउंड विद NH3PS3, क्योंकि लुईस एसिड है इसलिए NH3 से लोन पेयर ले लेता है, एडिशन कंपाउंड बनाता है। इसके बाद अगर आप बात करें तो हम आ गए हैं कार्बन फैमिली की तरफ, बोरोन फैमिली का ओवरव्यू लेने के बाद कार्बन फैमिली का ओवरव्यू लेते हैं। CSIGESNPB ये है कार्बन फैमिली, डिक्रीज फ्रॉम आयोनाइजेशन एनर्जी, नीचे जाने पर घटती है, और उसके बाद पीबी की ज्यादा होती है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है। मेटलिक कैरेक्टर जो होता है, कार्बन और SI नॉन मेटल है, GE इज मेटलॉइड एंड SN एंड PB मेटल्स हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो कि साइज पर डिपेंड करती है, तो जिसका साइज छोटा है उसका कैटेनेशन ज्यादा करेगा। कार्बन और सिलिकॉन जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं विद इट्स ओन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, तो इसे कहते हैं कैटेनेशन। जैसे कार्बन जो होता है डायमंड में कई सारे कार्बन जुड़े रहते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है उसमें कई सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, दैट इज द कैटेनेशन, उसे कैटेनेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अगर इसका इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा देते हो आप, हीटिंग कार्बन विल लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कार्बन के, तो CO बनता है। अगर आप एक्सेस में यानी इसका कंबशन करा देते हो तब CO2 बनता है। आप आयरन की मेटलर्जी अगर पढ़ते हो तो हेमेटाइट के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हेमेटाइट में जो बनता है वो CO बनता है, और CO ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Fe2O3 हेमेटाइट कहलाता है, बाय हीटिंग ऑक्साइड ऑफ हैवी मेटल, यहां से भी CO बनेगा, बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक, दैट इज कार्बन का, अगर आप H2O पास कर दोगे तो भी CO+H2 बनेगा, इसे वाटर गैस भी कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान रखिएगा कि लो टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाई टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन। कार्बन किसी को भी रिड्यूस कर सकता है Fe2O3 CO के साथ, तो Fe रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने कहा था ना हेमेटाइट का रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, CO होता है, CO के इसको भी रिड्यूस कर देता है, बर्न्स इन एयर टू गिव हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप ऑक्सीजन ले लेते हो तो CO2 बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कंबशन करवाते हो अगर कार्बन का, तो आपको देखने को मिलता है यहां से कार्बन डाइऑक्साइड। आप मेरे साथ रिवाइज करें, इट टर्न्स व्हाइट वाटर, लाइम वाटर को ये मिल्की कर देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर आप CO2 के साथ करवा देते हो तो CaCO3 व्हाइट कलर का PPT होता है, जो डिजोल्ड फॉर्म में अगर है तो मिल्की कलर आएगा, लेकिन फर्दर बहुत लंबे समय तक अगर आप CO2 पास कर देते हैं तो प्रैक्टिकल में पढ़ते हो आप यार, 11वीं 12वीं में जब प्रैक्टिकल करते होंगे स्कूल में, गुरु जी इस साल तो किए ही नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो हम सुन के रखते ही है कि लाइम वाटर जो होता है अगर उसमें CO2 पास करते हैं तो वो मिल्की कलर हो जाता है, और लंबे समय तक पास करते हैं तो मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक पास करने से जो कार्बोनेट होता है वो बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। कार्बोनेट किसमें चेंज हो जाता है, बाइकार्बोनेट में, और बाइकार्बोनेट व्हाइट नहीं होता है। क्लियर, आगे देखिए, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो उसके बाद कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट कहलाता है, हाँ जी, प्रिपेयर्ड बाई फ्यूजन ऑफ सोडा एश, Na2CO3 की रिएक्शन अगर आप SiO3 के साथ करवा दोगे तो Na2SiO3 बन जाएगा, साथ में CO2 बन जाएगा। सिलिकॉन्स की अगर आप बात करो तो SiOSi लिंकेज जिसमें है, SiOSi लिंकेज जिसमें है ये वाला सिलिकॉन पॉलीमर कंटेनिंग SiOSi लिंकेज फॉर्मड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल और अराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस एंड देयर सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन, ये आप करवाते हो तो यहां से आपको जो देखने को मिलता है वो कहलाता है सिलिकॉन्स। इसी प्रकार से सिलिकेट्स H4SiO4 जो सिलिसिक एसिड होता है इसकी यूनिट SiO4 4- इससे जो बनते हैं पॉलीमर्स वो सिलिकेट्स कहलाते हैं, सिलिकॉन्स एंड सिलिकेट्स। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो ऐसे याद करते हैं ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भी कहो ऐसे याद आ गया, तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ BI ये होते हैं। इसमें एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। आगे बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम AS टू BI।
ठीक है, बाकी तो लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन लग जाता है इसलिए उतना चेंज नहीं आता, थोड़ा चेंज आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +5 लेकिन नीचे जाते हैं तो +3 स्टेबल होने लगती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम एन टू बी आई, घटती चली जाती है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ता चला जाता है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन की अगर आप बात करोगे, ध्यान रखिएगा, कॉपर ऑक्साइड की अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा देते हो, कॉपर ऑक्साइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा देते हो तो नाइट्रोजन मिल जाता है। CaOCl2 की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा देते हो तब भी आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन की अगर आप बात करो तो ये बनाता है नाइट्राइड्स, LiMgCaAl इनके साथ मिलकर के नाइट्राइड्स बना लेता है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपका ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात करें तो H2NO2 हाइपोनाइट्रस कहलाता है, HNO2 नाइट्रस एसिड कहलाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HNO4 पर नाइट्रिक एसिड कहलाता है। इसके बाद यह है कि अमोनिया जो होता है NH3 उसका प्रिपरेशन की बात करें तो NH4Cl की अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो आपको अमोनिया देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस से भी अमोनिया बनता है। हेबर प्रोसेस अपन वेल नोन जानते हैं, नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वहां से अमोनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, तीन प्रकार का फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में पाया जाता है, रेड फॉस्फोरस जो होता है वो लीनियर चेन की फॉर्म में पाया जाता है, और ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है वो पॉलीमराइज हो जाता है, मतलब पूरा 3D में वो बना लेता है, अपना नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज द ब्लैक फॉस्फोरस। तो तीन एलोट्रोपिक फॉर्म फॉस्फोरस की हैं। उसके बाद बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन OSI, SiO2, ये सब ऑक्सीजन फैमिली के पार्ट हैं। ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम और पोलोनियम। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल हाइड्राइड्स, Na2S की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा लोगे तो H2S वोलेटाइल हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं ये। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट Se फॉर मोनोऑक्साइड, सब मोनोऑक्साइड बनाएंगे Se के अलावा। ऑल एलिमेंट फॉर्म डाइऑक्साइड विद फॉर्मूला MO2SO2, ये सब बनाते हैं, ठीक है। SeO2 इज वोलेटाइल सॉलिड, वाइल TO2, TeO2 एंड PoO2 आर नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ध्यान रखिएगा, ओजोन की बात करें तो इट इज अनस्टेबल एंड इजिली डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OCO3 एजेंट की तरह काम करता है ड्यू टू द केस विद विच इट कैन लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन। O3 जो होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, इस कारण से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर की बात करें तो तीन प्रकार का सल्फर होता है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। सल्फर ब्राइट येलो कलर का होता है, किस किस S8 की फॉर्म में पाया जाता है। मोनोक्लिनिक सल्फर की अगर बात करें तो स्टेबल ओनली और हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होगा, डल येलो कलर का होगा, और इसे बीटा सल्फर भी कहा जाता है। इट सोल्यूबल इन CH2 बट इनसोल्यूबल इन H2O। मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है वो H2O में सोल्यूबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये CH2 में सोल्यूबल होता है। इट स्लोली चेंजेस इनटू रोम्बिक सल्फर, ये रोम्बिक सल्फर में चेंज होता रहता है धीरे धीरे। इट आल्सो एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, व्हिच हैव पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। इट हाउएवर डिफर्स फ्रॉम द रोम्बिक सल्फर इन द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, और उसके बाद प्लास्टिक सल्फर, क्लियर। उसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगर आप बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर H2SO4 एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है। इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट विद शुगर, वुड, इनके साथ फॉर्म ब्लैक मास ऑफ कार्बन बना लेता है, क्लियर। फिनोमेना इज कॉल्ड चेयरिंग, इसे चेयरिंग कहा जाता है, ठीक है, ब्लैक कार्बन, कार्बन ब्लैक बना देता है। इट इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे कार्बन से CO2 बना देगा, डिकम्पोज कार्बोनेट्स को डिकम्पोज कर देता है CO2 और H2O में, और इसी प्रकार से सोल्ट्स लाइक क्लोराइड, फ्लोराइड अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो CaSO4 बन जाएगा और साथ में HCl गैस बना करके उड़ जाता है, यानी उनके क्लोराइड्स को डिकम्पोज कर देता है। हेलोजन फैमिली की बात करें, अगर हेलोजन फैमिली की बात करें तो डाइपोल मोमेंट जो होता है नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बढ़ती जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो HF की ज्यादा होगी साइज छोटा होने के कारण, थर्मल स्टेबिलिटी भी HF की ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो HI की ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो HI की ज्यादा होती है। रिड्यूसिंग एजेंट पावरफुल I- होता है, दैट्स व्हाई HI जो होगा वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सी एसिड की बात करें तो HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, फिर उसके बाद क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक, क्लियर। H हटा दोगे तो वो जो सॉल्ट होता है उसे क्लोराइड्स या क्लोरेट्स
हाइपोक्लोरस, तो हाइपोक्लोरस का आइट बनता है और एक से एट बनता है, ठीक है। तो ये आपके है इसके ऑक्सी एसिड्स। इसके बाद बात करें नोबल गैस फैमिली की, नोबल गैस फैमिली जो होती है एक्सी नियोन ये सब, तो द नोबल गैसेस आर इनर्ट इन नेचर, दे डोंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इजीली बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज कंप्लीट ऑक्टेट, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आप जिनोन के कंपाउंड्स की बात करें तो XeF2, XeF4, XeF6 ये सब पाया जाता है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, XeF2, XeF4 और XeF6 का ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके हाइड्रोलिसिस पर भी प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। यूजेज ऑफ नोबल गैस की बात करें तो हीलियम के क्या क्या यूजेज है, इट इज यूज टू फिल एयरशिप्स एंड ऑब्जर्वेशन बैलून्स में भरने के काम आता है। हीलियम हल्का होता है, इन द ऑक्सीजन मिक्सचर ऑफ डीप सी डाइव्स, इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, यूज्ड इन द इन्फ्लेमेटिंग एरोप्लेन टायर्स, इन सब में काम में लिया जाता है। नियोन इज यूज्ड एज फिलिंग डिस्चार्जिंग ट्यूब, आर्गन का काम होता है अलोंग विद द नाइट्रोजन, इट इज यूज्ड गैस फिल्ड इलेक्ट्रिक लैंप्स बिकॉज आर्गन इज मोर इनर्ट देन नाइट्रोजन, इनर्ट एटमोस्फेयर प्रोवाइड करवाने के लिए हम आर्गन का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। उसके बाद अब हम आ पहुंचे हैं प्रश्नों की तरफ, क्वेश्चंस की दुनिया में हम आ पहुंचे हैं। पीप लोग के लिए सबसे पहला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल सवाल आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पीप लोग का थ्योरी आपके अच्छे से क्लियर है, देखो जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ के सुनाई, अभी मैंने पढ़ के सुनाई, आपको पढ़ाया नहीं ज्यादा, रिवाइज करवाया टोटल फास्ट, तो जितनी चीजें अगर मैंने आपको पढ़ के सुनाई वो चीजें आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रही हैं, एनसीईआरटी पे आपका अच्छे से कमांड है, तो पी ब्लॉक से 100% प्रश्न पूछा जाएगा ही जाएगा बेटा, पी ब्लॉक से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो पी ब्लॉक के लिए, तो आपको फील आना चाहिए कि हाँ यार ऐसे चीजें चल रही हैं या ये चीजें मेरे याद हो रही, बिल्कुल एकदम सरलता से स्मूथली आप चलते जाओ। याद आप ऐसे नहीं कर सकते कि पी ब्लॉक पढ़ने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, आप पी ब्लॉक में कभी भी मास्टर बनने की कोशिश मत करना कि आप टीचर बन जाओगे उसके, ना ऐसे नहीं आएगा, चार ऑप्शन देख करके एक ऑप्शन बिठा देंगे अपन, पी ब्लॉक इतना ही आता है सभी को, ठीक है आओ। हाँ जी, तो कह रहा है कि फॉर्म द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2O2 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो थ्योरेटिकल सवाल में पहले ये देख लेना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट, तो या इनकरेक्ट पूछा गया है। मेरी नजर सबसे पहले पड़ी है तीसरे प्रश्न, तीसरे ऑप्शन पर, इट कैन एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग दोनों की तरह एक्ट करता है, क्लियर। बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रेडॉक्स में समझाया था, तो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रेड्यूसिंग दोनों की तरह एक्ट करेगा, तो दोनों की तरह एक्ट करेगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो गया। ग्लास इज है, ग्लास जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है सॉलिड स्टेट में। कल मैं आपको बता रहा था कि दो प्रकार के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। ग्लास जो होता है वो सिलिकेट्स और बोरेट्स का जो होता है सॉलिड होता है एक, और सिलिकेट्स और बोरेट्स होते हैं, इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द कंपाउंड डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन, मेरे भाई यहां से नाइट्रोजन मिलता है अमोनियम डाइक्रोमेट जो होता है, अगर आप इसको हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस मिलेगा। NH4NO2 को आप हीट करते हो तो यहां से भी नाइट्रोजन देखने को मिलता है, बेरियम नाइट्राइड यहां से भी नाइट्रोजन देखने को मिलता है, बट अमोनियम सल्फेट अगर आप इसको हीट करते हो तो यहां से आपको अमोनिया देखने को मिलेगा, अमोनिया देखने को मिलेगा यहां से, NH4NO2 2N2 ऐसे याद रखते हैं, लेकिन NH4NO3 को अगर आप हीट करते हो तो N2O बनता है उसमें, की पॉइंट दे रहा हूं, NH4NO2 2N2, NH4NO3 3N2O, ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन NH4 सल्फेट से अमोनिया बनेगा। उसके बाद विच वन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, नीचे जाओगे अगर आप नोबेल गैस फैमिली में, तो वंडरवॉल फोर्स जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि साइज बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा साइज अगर मैं आपको देखूं इसमें, तो जिनोन का साइज सबसे बड़ा है, इसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जिनोन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिप्लेट्स द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, फ्रियोन सर NO पहुंचा रहे हैं, ऑप्शन 1 राइट आंसर है, इसमें कोई देखना ही नहीं है, यस ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ जिनोन कंपाउंड इज नॉट फिजिबल, मेरे भाई XeF6, XeF2 और XeF4 ये सब हाइड्रोलाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, तो वॉटर के साथ अगर XeF6 है तो ये हाइड्रोलाइज होगा, यानी ये रिएक्शन रिवर्स आने का टेंडेंसी रखेगा, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन जो होता है ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि XeF2, XeF4 और XeF6 हाइड्रोलाइज होता है बेटा, ठीक है, हाइड्रोलाइज होने का टेंडेंसी रखता है, दैट्स व्हाई रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो फिजिबल होगा, XeF6 वाला, ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बोरोन कैन नॉट फॉर्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायन, कौन से आप बोरोन कैन नॉट फॉर्म व्हिच वन
cannot form which one of the following anion? कौन सा anion नहीं बना सकता? BF6-3- नहीं बना पाएगा, BF6-3- नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके पास vacant orbital ही एक है यार, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, छह वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए ना, छह फ्लोरीन के साथ जुड़ने के लिए, इतने है ही नहीं इसके पास। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 ही तो होता है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं। तो जब इसने तीन बॉन्ड बना लिए तो एक पी ऑर्बिटल इसके पास बचता है। तीन बॉन्ड अगर मान लीजिए इसने बना लिए, इसने अगर तीन बॉन्ड बना लिए तो इसके पास एक ही तो वेकेंट ऑर्बिटल बना, तो ये छह फ्लोरीन से कहां से जुड़ जाएगा? दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 ये नहीं बना पाएगा, इसकी कोवेलेंसी 6 नहीं हो सकती। उसके बाद क्लोरीन वाटर अनस्टैंडिंग लॉसेस इज कलर एंड फॉर्म, क्लोरीन वाटर जो होता है वो टूट जाता है HCl और HOCl में, ऑर्गेनिक में भी ये बहुत काम में आया होगा आपके, क्लोरीन वाटर जो होता है वो HCl और HOCl में टूट जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज लुईस एसिड? लुईस एसिड की तरह वो काम करता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। BCl3 और AlCl3 पर मेरी नजर पड़ती है, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे। यस, BCl3 एंड AlCl3। और आखिरी प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये मेरे से पूछा गया है। कह रहा है कि सिंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल फास्फोरस फास्फोरस N2O4 टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज फ्रॉम NH3 टू BiH3 इन ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि हाइड्राइड्स जो होते हैं वो अगर आपने ड्रैगो रूल पढ़ा हो, ड्रैगो रूल पढ़ा हो, तो नीचे जाने पर S कैरेक्टर तो घट ही जाता है यार, PH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई उस हाइड्राइड की स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, और नीचे जाने पर हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी जो होती है वो और घटती चली जाती है। यस, ऑप्शन नंबर 3, हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी घटती चली जाती है। इसी के साथ हमने पी ब्लॉक को अच्छे से, मैंने बहुत कोशिश की कि रिविजन है ठीक है, लेकिन धीरे 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 आपको रिवाइज कराऊं, सारी चीजें आपको एक बार दिमाग से सारी निकाल दूं, समय की कमी है, आपका समय महत्वपूर्ण है, मेरा तो क्या है, मैं तो इसी तरह से पढ़ाता रहूंगा, मेरा तो काम है, मैंने फील्ड ऐसा चुना है जिसमें मुझे सेवा करनी है, मुझे सर्व करना है, वो मैं कर रहा हूं, सेवा का कार्य मैंने किया है, परिणाम आपको देना है। आप जिस दिन परिणाम दे दोगे उस दिन ऐसा लगेगा कि यार हमारे द्वारा की गई सेवा जो होती है हो रही है, उसका जो होता है वो परिणाम हमें मिल रहा है। वी आर डेडिकेटेड 100% डेडिकेटेड फॉर यू, एंड इफ यू आर डेडिकेटेड फॉर योर सेल्फ देन हम एक डिफरेंस जरूर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए, और अगले एपिसोड में मैं आपको लेकर के आऊंगा अगला टॉपिक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या मेटलर्जी या इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनमें से जल्दी के और इनऑर्गेनिक खत्म करने के बाद ऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।